मेरा नाम है ईश्वरी लाटकर और आज मैं आपके सामने भगवद गीता का 12वां अध्याय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओम परमात्मने नमः। अतो द्वादशोध्याय। श्री अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापेक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम संयम नेत्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयाः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैतेरताः। क्लेशोदिकस्तरस्तेष अव्यक्ता सत्यचेतसा अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येवेन योगेम मां ध्यायन्त उपासते तेषां मां समुद्धर्तां मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिला पार्थ मय्यावेशित चेतसा मय्येव मना अध्वस्तो मयि बुद्धि निवेशयो निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयाः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अत एतदप्य शक्तोसि कर्तुं मध्योगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागस्तत गुरु यतात्मा श्रेयो हि ज्ञान अभ्यास ज्ञान ध्यान विशेषते ध्यान कर्म फल त्यागस्त्याग शांतिरनंतरम अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणेव च निर्मो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितो मनो बुद्धि यो मद भक्तस्य मे प्रियाः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस्य च मे प्रियाः अनपेक्षश्चिदक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारम्भ फलत्यागे यो मद भक्तस्य मे प्रिया यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ फलत्यागे भक्तिमान्यस्य मे प्रियाः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिताः तुल्य निंदा स्थितुर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतस्तिर्मतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नराः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धा नामत् परमा भक्ता स्मयतु मे प्रिया। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्री श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम अथ द्वादशोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। धन्यवाद।